बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वाटर वर्ल्ड। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं और ये कहानी है 25वीं सदी की। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समंदर का लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बच चुके हैं वो समंदर में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन एक माइथोलॉजिकल थियरी है जिसके मुताबिक ओशियन के अंत में एक ड्राई लैंड है और ये सब वहां तक पहुंचना चाहते हैं। यहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है। उसके पास एक बोट है और वो एक डिब्बे में टॉयलेट करता है, उसे एक मशीन में डालता है और वो साफ हो जाता है। उसके बाद वो उस पानी को पी लेता है क्योंकि समंदर का पानी नहीं पिया जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। तभी मैरिनर को अपने सामने एक नाव दिखती है, उसमें एक आदमी होता है। मैरिनर उसे बोलता है कि दो बंजारे मिलते हैं तो आपस में सामान की अदला बदली करनी होती है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी अभी मैं एक जल बस्ती से आया हूँ, वो यहाँ से 8 दिन की दूरी पर है। तभी उन्हें दो लोग दूर से आते हुए नजर आते हैं, इन्हें स्मोकर्स कहा जाता है, और ये सब लोगों को मार देते हैं। और जैसे ही वो दूसरा आदमी उन स्मोकर्स को देखता है तो मैरिनर को उसके कुछ फल दिखाता है जो उसने उसकी नाव से चुरा लिए होते हैं। वो कहता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे क्योंकि उसकी नाव खराब होती है, और वो वहां से निकल जाता है। मैरिनर एक हैंडल को खींचता है और तभी उसकी नाव में बड़े बड़े पर्दे लग जाते हैं। दरअसल उसकी नाव काफी एडवांस होती है। इस नाव को ट्रिमरन कहा जाता है और अब उसकी नाव स्पीड में चलना शुरू हो जाती है। और जो उसके फल चुराकर भागा होता है वो उसकी नाव का पर्दा तोड़कर आगे निकल जाता है, और पर्दा टूटने के बाद उसकी नाव की स्पीड कम हो जाती है और पीछे से जो स्मोकर्स आ रहे होते हैं वो उसे मार देते हैं। लेकिन मैरिनर वहां से बचकर निकल जाता है और वो उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है जहां के बारे में उस आदमी ने उसे बताया होता है। और गेट पर पहुंचने के बाद वो उन लोगों को कुछ सामान दिखाता है। वो कहते हैं कि हमारे पास काफी व्यापारी हैं। लेकिन जब मैरिनर उन लोगों को मिट्टी दिखाता है तो चौंक जाते हैं। जिस तरह से आज के युग में हीरे जवाहरात बहुत कीमती होते हैं, उस वक्त मिट्टी बहुत कीमती होती है, और वो उसे अंदर आने देते हैं। और जब वो मैरिनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो होती है। इसके बदले वो उसे 62 सिक्के देना चाहते हैं। लेकिन मैरिनर कहता है कि मुझे 62 नहीं बल्कि इसके दुगने चाहिए, और वो दुगने सिक्के देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौर में मिट्टी बहुत बेशकीमती इसलिए भी है क्योंकि मिट्टी पर ये छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाकर अपने लिए खाने की चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। मैरिनर अपने सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वो पीने के लिए कुछ पानी खरीदता है। वहीं पर एक टमाटर का पौधा भी होता है। मैरिनर इस पौधे को खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की उसे बोलती है कि तुम्हारे आधे सिक्के मुझे चाहिए, और मैरिनर उसे आधे सिक्के दे देता है और उस टमाटर के पौधे को उससे खरीद लेता है। मैरिनर जिस लड़की से ये खरीदता है इसका नाम हेलन होता है, और इसके साथ एक लड़की भी होती है और ये उसकी गार्डियन है। उस लड़की का नाम एनोला होता है। अब मैरिनर वहां से सामान खरीद कर जा रहा होता है तभी उसी बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है, और वो मैरिनर को कहते हैं कि तुम इसके साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाए तो तुम अपनी जरूरत का सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस बस्ती का नहीं है और इनकी जो प्रजाति है, इनकी जो जीन्स है, वो अब कमजोर है। लेकिन मैरिनर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम मुझे दे सको, तुम लोग मर रहे हो। वो जाने लगता है तभी उन लोगों को शक होता है कि ये स्मोकर है, और वो उसे रोक लेते हैं। और जब उसे रोकते हैं तो वो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स हैं, और गिल्स देखने के बाद आदमी चिल्लाता है कि ये म्यूटेंट है, और वो उसे पकड़ लेते हैं और एक केज के अंदर बंद करके वहां पर एक मड होता है उसमें डुबाना शुरू करते हैं। दरअसल जो भी इंसान मर जाता है वो उसे यहाँ पर डुबाते हैं ताकि उससे खाद बन सके। लेकिन इससे पहले कि मैरिनर उसमें डूब पाता, इनकी बस्ती पर स्मोकर्स हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम ग्रिगोर होता है। ये एक इन्वेंटर है और इसके पास उड़ने वाला बलून होता है। हेलन और अनोला को भी वो अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि हेलन और अनोला उस बलून तक पहुंचती, बलून उड़ जाता है। तभी वो नीचे देखती है कि मैरिनर डूब रहा है, वो केज के अंदर बंद है। वो भागकर वहां पर जाती है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी तो तुम हमें अपने साथ लेकर जाओगी। वो कहता है कि हाँ, वो उसे छुड़ाती है, और इसके बाद ये तीनों की तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और स्मोकर्स इनकी बस्ती को तबाह करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। इनका जो सरदार होता है जिसका नाम डीकन है, वो कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये इनोला के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनोला की बैक पर एक टैटू होता है
और इनका मानना ये होता है कि वो ड्राई लैंड तक पहुंचने का नक्शा है, इसीलिए इन्होंने इस बस्ती पर हमला भी किया होता है। यहाँ पर तीन तरह के अलग अलग समूह हैं। एक स्मोकर्स जो लोगों को मारते हैं, उनकी बस्तियों पर हमला करते हैं। दूसरे आम इंसान जो समुद्री बस्ती में एक साथ रहते हैं, चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। और तीसरे वो होते हैं जिन्हें म्यूटेंट कहा जाता है, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं जैसे मछली के होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। और मरीनर भी एक म्यूटेंट है। मरीनर हेलन को बोलता है कि हमें इनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि जिस पर तीन लोग जिंदा रह सकें। दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ज्यादा है क्योंकि समंदर का पानी ये पी नहीं सकते और पानी का कोई भी और स्रोत इनके पास नहीं होता। हेलन उसे मना करती है, वो कहती है कि ये सिर्फ एक पच्ची है। मरीनर कहता है कि बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगे, इससे बेहतर है कि एक पहले मर जाए। लेकिन बाद में हेलन उसे मना लेती है और मरीनर उस बच्चे को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि स्मोकर्स का जो लीडर है जिसका नाम डीकन है, वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली बच्ची चाहिए क्योंकि ये ड्राई लैंड तक जाना चाहता है। और इसीलिए वो अपने आदमियों को एक प्लेन पर मरीनर के पीछे भेजता है और वो लोग उस तक पहुंच जाते हैं। वो उन पर हमला कर देते हैं, वो बोलते हैं कि बच्ची को मत मारना और वो लगातार इन पर गोलियां चलाते हैं। मरीनर बेसमेंट में जाता है क्योंकि वो अपने हथियार लाना चाहता है। ऊपर हेलन को लगता है कि मरीनर भाग गया और वहां पर एक गन होती है जिस पर रस्सी लगी होती है और वो उस गन से प्लेन पर हमला करती है और उसमें से एक तीर निकलता है जो प्लेन में फंस जाता है और प्लेन अब बोट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और उसके जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं वो अब टूटना शुरू हो जाते हैं। मरीनर भी ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बोट अब टूटने वाली है। वो जल्दी से ऊपर जाता है क्योंकि वो उस रस्सी को काटना चाहता है जिससे वो तीर जुड़ा हुआ है जो हवाई जहाज पे अटका हुआ है। और मरीनर बड़ी मुश्किल से उस रस्सी को काट देता है और वो पानी में गिर जाता है। हवाई जहाज वहां से चला जाता है लेकिन मरीनर की जो बोट है वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और गुस्से में आके वो हेलन के और इनोला के दोनों के बाल काट देता है और वो कहता है कि आज के बाद मेरी बोट पर किसी भी चीज को कभी मत छूना। इसके बाद ये आगे का सफर तय करते हैं और तभी इन्हें एक और नाव दिखती है, उसमें एक आदमी होता है और हेलन बोलती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास खाना हो। हालांकि मरीनर ऐसा नहीं करना चाहता लेकिन हेलन के कहने पर वो उससे बात करता है। उसके पास एक बेशकीमती चीज होती है, वो होता है कागज, क्योंकि पूरी दुनिया जलाशय है और कागज बनना लगभग नामुमकिन है। ये वो चीजें होती है जिन्हें आज के जमाने में हम एंटी कहते हैं। मरीनर और हेलन ने इससे बात इसलिए की होती है क्योंकि ये इससे खाने की उम्मीद कर रहे होते हैं लेकिन इसके पास खाना नहीं होता। वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें कागज दूंगा, बदले में तुम्हें मुझे हेलन को सौंपना होगा। शुरू में मरीनर मान जाता है, वो कहता है कि आधे घंटे के लिए तुम्हारी हुई और वो तहखाने में ले जाकर उसकी इज्जत लूटना चाहता है। लेकिन तभी मरीनर नीचे आ जाता है और वो कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। वो उसका कागज उसे वापस कर देता है लेकिन वो चाकू निकाल लेता है, वो उन्हें मारना चाहता है। मरीनर हेलन को ऊपर भेज देता है और इसके बाद मरीनर उस आदमी को मार देता है। मरीनर जानता है कि ये दोनों भूखे हैं, दरअसल वो खुद भी भूखा होता है, इसीलिए वो समंदर के अंदर कूदकर एक बहुत बड़ी मछली को मारता है। और अब इन सब के पास खाना होता है, ये भरपेट खाना खाते हैं। एनोला मरीनर को बताती है कि मुझे तैरना नहीं आता, वो कहती काश मेरे पैर भी तुम्हारी तरह होते। मरीनर बोलता है कि मैंने पहली बार ऐसी लड़की देखी है जिसे तैरना नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में सबको तैरना आता है। हेलन बताती है कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी गार्डियन हूँ। और धीरे धीरे साथ रहने के बाद, बातें करने के बाद इनकी दोस्ती होना शुरू हो जाती है और मरीनर इनोला को तैरना भी सिखाता है, जहाँ वो कुछ वक्त पहले इनसे नफरत करता था, इनके साथ नहीं रहना चाहता था। अब सब ये एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं। इसके बाद ये नाव के ऊपर आ जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी नाव होती है और ये एक तरह की चौकी होती है जहाँ पर सामान खरीदा और बेचा जाता है। और वो अपनी नाव को उस तरफ ले जाता है लेकिन जब वो दूरबीन से देखता है तो वो देखता है कि उस नाव पर, उस चौकी पर पूरी तरह से स्मोकर्स का कब्जा होता है। दरअसल डीकन अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंच गया होता है क्योंकि वो इनोला को, जिसकी पीठ पर सूखी धरती का नक्शा है, उसे हासिल करना चाहता है। लेकिन मरीनर बड़ी चालाकी से, बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है और उसे अब शक हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग हमारा नहीं बल्कि इनोला का पीछा कर रहे थे और उसकी पीठ पर जो टैटू है उसका मतलब क्या है। हेलन बताती है कि ये ड्राई लैंड का नक्शा है, यानी सूखी धरती तक पहुंचने का रास्ता। मरीनर बोलता है कि ये बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। हेलन बताती है कि जब हमें इनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी बहुत बेहतरीन थी।
इसीलिए सभी लोगों का मानना है इनोला की पीठ में जो नक्शा है वो सूखी धरती का नक्शा है। और अभी तक इन दोनों को यानी कि हेलन को और इनोला को ये लगता है कि मैरिनर उन्हें सूखी धरती पर ले जा रहा है, उसे सूखी धरती का रास्ता पता है, क्योंकि उसकी नाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सूखी धरती पर यानी इंसानों द्वारा बनाई जा सकती है और उसके पास मिट्टी भी थी। लेकिन मरीनर बोलता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम बेवकूफ हो जो ऐसी चीज पर भरोसा कर रही हो जो तुमने कभी देखी नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। हेलन कहती है कि तुम्हारे पास शीशा है और वो गाना बजाने वाला बॉक्स, वो सब कहां से आया, वो सिर्फ सूखी धरती पर बनाए जा सकते हैं। मरीनर बोलता है कि तुम सूखी धरती देखना चाहती हो, पानी में आओ। और वो उसे पानी में ले जाता है और एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, और वो उसे समंदर के तल पर ले जाता है जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। किसी जमाने में यहां पर एक शहर हुआ करता था लेकिन अब यहां पर कुछ भी नहीं है। और वो हेलन को ये सब कुछ इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जो एक झूठी उम्मीद है वो उम्मीद खत्म हो जाए। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी नाव पर स्मोकर्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया होता है और वो इन दोनों से पूछते हैं कि इनोला कहाँ है। दरअसल इनोला उन्हें देखकर नाव में कहीं छुप गई होती है। वो कहते हैं कि अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे, और ये दोनों नहीं बताते। हालांकि हेलन ने इनोला का पैर देख लिया होता है लेकिन फिर भी वो नहीं बताती क्योंकि वो जानती है कि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डिकन बोलता है कि अगर ये नहीं बता रहे तो इन दोनों को मार दो, और इससे पहले कि ये उन दोनों को मारते इनोला आवाज लगाती है, कहती नहीं, और वो बाहर आ जाती है। और अब इनोला स्मोकर्स के कब्जे में आ जाती है और स्मोकर्स का जो लीडर होता है वो बोलता है कि इन दोनों को यानी कि हेलन को और मरीनर को मार दो, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारते वो दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं। पर हेलन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो एक इंसान है, लेकिन मरीनर ले सकता है क्योंकि उसके गिल्स हैं, इसीलिए वो अपने मुंह से हेलन को सांस देता है। और बहुत देर के बाद ये पानी के ऊपर आते हैं, और जब ये ऊपर आते हैं तो ये देखते हैं कि स्मोकर्स ने मरीनर की नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है, और इस बात से मरीनर को बहुत दुख होता है। लेकिन अब हेलन मरीनर की इंसानियत उसकी अच्छाई से प्यार करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब हेलन सोरी होती है तो मरीनर नीचे जाता है क्योंकि उसका वहां पर सामान होता है, और वहां पर वो कागज भी होता है जो उसने उस इंसान से छीना था जो रास्ते में उन्हें एक बोट पर मिला था। और उस कागज पर एक आइलैंड का चित्र होता है जहां पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, और इनोला ने भी एक कागज पर उसी तरह के पेड़ का एक चित्र बनाया होता है। और मरीनर समझ जाता है कि इनोला की पीठ पर जो टैटू है वो सूखी धरती का नक्शा है, क्योंकि इनोला हर उस चीज का चित्र बनाती थी जिसे वो देखती थी। और अगर इनोला ने वो चित्र बनाया है इसका मतलब वो वहां जा चुकी है, वो वहीं से है। लेकिन यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है क्योंकि इनकी बोट पूरी तरह से टूट चुकी है। तभी ऊपर हवा में दिखाते हैं कि वहां पर ग्रिगोर आ जाता है, वो आदमी जिसके पास उड़ने वाला बलून होता है, जो उस वक्त अपनी बस्ती से भाग गया था जब उनकी बस्ती पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वो हेलन को देखकर पहचान लेता है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता क्योंकि धुएं की वजह से मैं यहां तक पहुंच सका हूं। और वो इन दोनों को अपने बलून पर ऊपर ले जाता है, और पास ही में कुछ सर्वाइवर्स होते हैं जो उस बस्ती से भागे होते हैं जहां पर स्मोकर्स ने हमला किया था। और वहां पहुंचने के बाद मरीनर बोलता है कि मैं इनोला को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, और वो स्मोकर्स के बहुत बड़े जहाज तक पहुंच जाता है। वो जहाज के अंदर चला जाता है और जहाज में कई सारे लोग होते हैं, और वो सब अपने सरदार डीकन से बोलते हैं कि हम कब सूखी धरती तक पहुंचेंगे। वो उन सब से झूठ बोलता है कि मेरे को नक्शे का पता चल चुका है और अब हमें यहां से निकलना है। हालांकि नक्शा इनके पास है लेकिन डीकन या किसी और को ये नहीं पता कि इस नक्शे में रास्ता किस तरह से देखा जाए। लेकिन उसके झूठ से सब के सब नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और चप्पू चलाना शुरू करते हैं और उस विशाल जहाज को यहाँ से आगे ले जाते हैं। तभी ये दिखाते हैं कि डीकन के सामने मरीनर आ जाता है और उसके पास गन होती है। वो बोलता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। डीकन बोलता है कि अब तुम यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा सकती। तभी मरीनर अपने अंदर से एक जलती हुई मशाल निकालता है और उसके सामने तेल के कुएं का एक पाइप होता है और वो उसके अंदर डाल देता है, और एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्मोकर्स मारे जाते हैं। और मरीनर उस जगह पर जाता है जहां पर इनोला है, और जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि डीकन उसे लेकर नीचे जा चुका होता है और अपने प्लेन पर उसे उड़ाकर ले जा रहा होता है। लेकिन वो उसके प्लेन पर रस्सी अटका के उसका प्लेन क्रैश कर देता है और उसका प्लेन वहीं शिप पर गिर जाता है। अब ये विशाल शिप डूब रहा है, लेकिन इससे पहले कि ये पूरा शिप पानी में समा जाता
वहां पर हेलन और ग्रिगोर उड़ने वाले गुब्बारे पर वहां तक पहुंच जाते हैं और वो नीचे एक रस्सी फेंकते हैं और उस रस्सी की मदद से मरीनर और इनोला ऊपर उड़ने वाले गुब्बारे पर आ जाते हैं और तभी नीचे जहाज पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जितने भी स्मोकर्स होते हैं लगभग सभी मर जाते हैं। लेकिन डिकन अभी भी बचा होता है और वो नीचे वाटर स्कूटर से ऊपर गोली चलाता है। ये गोली वो इनोला को मारना चाहता है लेकिन इनोला को गोली नहीं लगती, उसकी साइड में लगती है और वो गुब्बारे से नीचे पानी में गिर जाती है। और अब उसकी तरफ चार स्मोकर्स बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो उसे हासिल करना चाहते हैं। और तभी ऊपर से मरीनर अपने पैर पर रस्सी बांधकर जिस तरह से बंजी जंपिंग की जाती है उस तरह से इनोला की तरफ कूदता है और इससे पहले कि स्मोकर उस तक पहुंचते वो इनोला को पकड़कर ऊपर ले जाता है। और ये तीनों स्मोकर्स जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में डिकन के साथ साथ उसके सभी स्मोकर्स मर जाते हैं। और इस तरह से मरीनर इनोला को बचा लेता है। ये ऊपर आते हैं और वहां पर ग्रिगोर बताता है कि मुझे अब रास्ते की समझ आ चुकी है। वो सूर्य की स्थिति से अंदाजा लगाता है और जो टैटू इनोला की पीठ पर होता है उससे वो तालमेल बिठाता है और वो कहता है कि सूखी धरती उस तरफ होनी चाहिए और वो अपने उड़ते हुए गुब्बारे को उस तरफ लेकर जाते हैं। रात होती है और ये सब सो जाते हैं और जब सुबह मरीनर की आंख खुलती है तो उनके उड़ते हुए गुब्बारे यानी कि इनके यान पर एक पक्षी आकर बैठता है। और तभी मरीनर सामने देखता है वहां पर बहुत ऊंचा पहाड़ होता है और ये होता है एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट अब पूरा हरा भरा है, यहाँ पर पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मीठे पानी के झरने हैं। और जब ये ऊपर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक झोपड़ा भी होता है जिसके अंदर दो कंकाल होते हैं और ये इनोला के माँ बाप होते हैं। वहां पर टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल उन्हें पता था कि वो मर रहे हैं इसीलिए उन्होंने इनोला की पीठ पर टैटू बनाकर उसको एक टोकरी में डाल दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि जब वो किसी को मिले तो उसे पता चल जाए कि कहीं पर ड्राई लैंड है और वो इनोला की पीठ पे जो नक्शा है उसके जरिए यहाँ तक पहुंच सके। क्योंकि इनोला इतनी छोटी थी कि अगर वो यहाँ पर अकेली भी रहती तो तब भी वो बच नहीं पाती। और इनोला के माँ बाप ने जैसा सोचा होता है ठीक वैसे ही होता है। इनोला आज अपने घर वापस आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मैरिनर को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो इंसान नहीं है, उसके गिल्स हैं और इसीलिए वो वापस समंदर में जाना चाहता है। उसे लगता है कि समंदर उसे बुला रहा है। वो अपने लिए एक बार फिर से एक नाव बनाता है और वापस समंदर में जाने की तैयारी करता है। लेकिन इनोला और हेलन नहीं चाहते कि वो वापस जाए। हेलन उससे प्यार भी करती है लेकिन मैरिनर को जाना है और वो इन दोनों को अलविदा कहकर वापस उसी जगह चला जाता है जो उसकी असली जगह है यानी समंदर में। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1995 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $175 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाई की थी $265 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।